प्रिय शिक्षार्थियों आप सब जानते हैं कि भारत की स्कूली शिक्षा का वर्तमान इसके उस इतिहास का गवाह है जिसमें विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए उसने आज का रूप अख्तियार किया है या प्राप्त किया है हमारे देश में स्कूली शिक्षा का जो ढांचा है विशेष करके प्राथमिक प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का उस ढांचे के निर्धारण में और उस ढांचे के निर्धारित कार्यों के संचालन में राष्ट्रीय स्तर से लेकर और स्कूल स्तर तक की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमारा संपूर्ण शिक्षाई काम संचालित होता है ऐसी ही संस्थाओं में एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है एन आज हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर गौरव सिंह जी को जो शिक्षा विद्यापीठ इग्नू में सहायक आचार्य हैं और वर्षों से इस विधा में पारंगत भी हैं और आपके साथ और कई बिंदुओं पर पहले भी इन्होंने बातचीत की है तो हम आग्रह करते हैं डॉक्टर गौरव सिंह जी से कि आज वे एन की भूमिका तक पहुंचने के पूर्व भारत में जो स्कूली शिक्षा की स्थिति है उसका आधार लेते हुए या उसकी पृष्ठभूमि में आप तक यह बात पहुंचाएं कि वर्तमान में एन की क्या भूमिका स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए है और क्या हो सकती है गौरव सिंह बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानदेव जी ये प्रश्न पूछने के लिए आ, जैसा कि ज्ञानदेव जी ने कहा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का सांगठनिक ढांचा बहुत मजबूत है और बहुत विस्तृत है इसके बहुत सारे आयाम हैं और बहुत सारे पक्ष हैं साथ ही इसमें राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य और जिला स्तर तक बहुत सारी संस्थाओं की अपनी अपनी भूमिका है एनसीआर उसमें से एक संस्था है एन की भूमिका पर काम बात करने से पूर्व हम बात करेंगे भारत में शिक्षा की प्रणाली पर जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा व्यवस्था बहुत सारे स्तरों में बटी हुई है फॉर्मल एजुकेशन जो है औपचारिक शिक्षा है वह मुख्यतः प्राथमिक स्तर से प्रारंभ होती है जो कक्षा एक से पाँच तक आता है उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर है जो कक्षा छः से आठ तक आता है अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद ये दोनों स्तर मिलकर प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन का अंग कहलाते हैं इसके बाद माध्यमिक शिक्षा है जो दो वर्ष की शिक्षा है जो नौ और दस कक्षा होती है और उसके बाद उच्चतर माध्यमिक उच्च या उच्च माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक कई जगह कहा जाता है उसको वो कक्षा ग्यारह और बारह है लेकिन हम अपनी चर्चा प्रारंभिक शिक्षा तक सीमित रखेंगे अर्थात कक्षा एक से कक्षा आठ तक की जो स्थिति है उस पर क्या बातचीत हो रही है उस पर क्या स्थिति है अगर हम देखें भारत में प्राथमिक स्तर पर और प्रारंभिक स्तर पर जो विद्यालय हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जी एक तो वे विद्यालय जो सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालय कहलाते हैं और दूसरे वे विद्यालय जो निजी क्षेत्र के विद्यालय कहलाते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं एक तो वे विद्यालय जो सीधे सीधे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं जिनको हम गवर्नमेंट स्कूल कहते हैं ये विद्यालय आपके केंद्रीय विद्यालय हो सकते हैं ये विद्यालय आपके नवोदय विद्यालय हो सकते हैं जो कि सीधे सीधे केंद्र सरकार की संस्थाएं चलाती हैं या राज्य द्वारा स्थापित गवर्नमेंट स्कूल हो सकते हैं सरकारी विद्यालय हो सकते हैं साथ ही स्थानीय निकाय कई कई जगह जिला परिषदें कई जगह नगर पालिकाएँ वे भी इस तरह के विद्यालय संचालित करती हैं ये सारे विद्यालय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालय कहलाते हैं जो दूसरे प्रकार के विद्यालय हैं प्राथमिक कक्षा में और प्रारंभिक स्तर पर काम करने वाले वो एक बड़ी भूमिका उसमें निजी क्षेत्र के विद्यालयों की भी है और निजी क्षेत्र के विद्यालय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं जी। पहले वे विद्यालय जिनका प्रबंधन तो निजी हाथों में है लेकिन उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता राज्य सरकार से प्राप्त होती है जी तो वे सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय कहलाते हैं चौथे प्रकार के विद्यालय वे हैं जो पूर्णतः निजी विद्यालय होते हैं जिनको हम सहायता विहीन विद्यालय कहते हैं तो यदि आप भारतीय शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा में विद्यालयों का प्रकार देखेंगे तो आपको केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय से लेकर गांव के छोटे से गांव में पाया जाने वाला कोई मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालय तक एक लंबी बड़ी संरचना देखने को मिलती है और ये ऐसा नहीं इसकी संख्या भी बहुत बड़ी है अभी दो में जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े कहते हैं कि इस देश में लगभग आठ प्राथमिक विद्यालय हैं और लगभग चार लाख पच्चीस हजार चौरानवे उच्च प्राथमिक विद्यालय है दुग्ने हैं और यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो भारत की प्रारंभिक शिक्षा में लगभग लगभग पौने तेरह लाख विद्यालय आज की डेट में हैं, आज की तिथि में हैं। तो इतना विस्तृत इनका विस्तार है कि इन विद्यालयों का प्रबंधन इन विद्यालयों में इतनी विविधता है कि उस विविधता को कैसे कैटर किया जाए उसकी आवश्यकताओं को कैसे कैटर किया जाए क्योंकि वो अलग अलग राज्य में है उनकी भाषाएं अलग अलग हैं उनके क्षेत्र अलग अलग हैं उनकी, उनकी भौतिक भौगोलिक स्थिति अलग अलग है तो इन सबके बीच तारतम्यता स्थापित करनी बहुत जरूरी है एक और पक्ष में चाहता हूं कि हम जिस पर ध्यान दें वो ये है भारत में विद्यालय जो निजी क्षेत्र और प्र... सरकारी क्षेत्र के हैं इनके वितरण में बड़ी असमानता है अच्छा यदि आप देखें कुल विद्यालयों में आज की तिथि में लगभग 78 प्रतिशत विद्यालय सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। बिल्कुल क्योंकि चाहे वो डीपी कार्यक्रम रहा हो चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान जी, रहा हो या फिर उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान जब शिक्षा के अधिकार अधिनियम आने के बाद इसके साथ काम करने लगा इसमें मर्ज हो गया तो इसने विद्यालयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी बढ़ी हमने एक किलोमीटर के दायरे में डेढ़ किलोमीटर के दायरे में विद्यालयों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई वही प्राइवेट क्षेत्र में विद्यालय लगभग 22 प्रतिशत हैं लेकिन यदि आप इसके उलट नामांकन की स्थिति देखें तो आप पाएंगे अठहत्तर प्रतिशत विद्यालय तो सरकारी हैं बट कुल नामांकन का केवल पैंसठ प्रतिशत है निजी क्षेत्र के विद्यालय 22 है पैंतीस इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिन पर बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि विद्यालयों की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद नामांकन में उनका योगदान उतना नहीं है और लोग निजी विद्यालयों में नामांकन कराना प्रफर करते हैं उसको है। प्राथमिकता देते हैं एक और चीज है जब हम एनसीआर की बात करते हैं है। तो एनसीआर को लेकर बहुत सारी गलत फहमियां भी हैं कि एनसीआरटी केवल किताबें छापने का काम करती है एनसीआरटी केवल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने का काम करती है पाठचर्या रूपरेखा देती है एन जो पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाती है वो पूरे देश के लिए एक प्रस्तावित रूपरेखा होती है, है। राज्य सरकारों को ये छूट होती है कि वो उस रूपरेखा के अनुसार अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने अपनी पाठ्यचर्या अच्छा। रूपरेखाएं बनाए, बनाए और प्रत्येक बोर्ड बोर्ड अपने हिसाब से उस पर पाठ्यक्रम बनाता है बिल्कुल। भारत में बहुत सारे हैं कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कौन से बोर्ड फर्जी हैं और कौन से बोर्ड असली हैं इस पर काफी बहस भी हुई है यदि हम कुल मिलाकर देखें भारत में जो पाठ्यचर्या की नियामक संस्थाएं हैं जिनको हम बोर्ड परिषदें कहते हैं वो मुख्यतः चार प्रकार की हैं या तो केंद्र सरकार की हैं जैसे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सी बी एस ई या फिर काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एंड एग्जामिनेशन तीसरा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संगठन ये भी एक बड़ी संस्था है और इन्हीं बोर्ड की तरह काम करती है लगभग देश के प्रत्येक राज्य में अपने राज्य की परिषदें हैं जो राज्य के पाठ्यक्रम को नियमित कार्य करती हैं और विद्यालयों को मान्यता देने का काम करती हैं। सीआरटीजी ने एस से जुड़ी है और एस के अलावा जिनको हम स्कूल बोर्ड्स कहते हैं अच्छा, जैसे राज्यों। राज्यों जी, जी। 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 उत्तर प्रदेश में प्रत्येक साथ ही भारत में दो अंतरराष्ट्रीय परिषदों को भी मान्यता प्राप्त है जिसमे से एक है इंटरनेशनल बैकुलट ऑर्गेनाइजेशन आईबीओ जिसको बोलते हैं और दूसरा है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन इनको भी माध्यमिक स्तर पर मान्यता प्राप्त, प्राप्त है।, है लेकिन ये सारी संस्थाएं मुख्यतः परीक्षा लेने का काम करती हैं साथ ही अपना पाठ्यक्रम भी बनाती हैं। लेकिन ये चाहे वो सीबीएससी हो चाहे वो आईसीएससी हो चाहे वो एनआईओ हो इस तरह की संस्थाओं के पाठ्यक्रम का आधार सदैव एनसीआरटी द्वारा प्रस्तावित पाठचर्या रूपरेखा ही होती रही है तो मुझे लगता है कि एनसीआरटी की एक बड़ी भूमिका है

एनसीआरटी को यह दृष्टि और सामग्री दोनों मिलती होगी जिससे वो अपनी पाठचर्या की रूपरेखा तैयार कर सके। जी, तो एक जिसको दृष्टि या बल्कि वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती, करती है देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको हम एनसीआर बार बार बोलते हैं संक्षेप में इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1961 में की गई और यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्य कार्य है केंद्र और राज्य सरकार को शिक्षा नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सलाह देना लेकिन इसके साथ साथ यह संस्था विद्यालय शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण दोनों क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कार्य करती है एनसीआरटी की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बड़ी बेसद है एनसीआर एक स्वायत्त संस्था है इसके बावजूद उसका संचालन उसकी पांच स्वायत्त समितियां करती हैं एक उसकी प्रशासकीय परिषद है जिसको हम गवर्निंग काउंसिल कहते हैं एक उसमें कार्यकारी समिति है जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं जिसका पदेन अध्यक्ष भारत का मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं उसके बाद वहां पर एक वित्त समिति होती है एक स्टैब्लिशमेंट कमेटी एक स्थापन समिति होती है और एक कार्यक्रम सलाहकार समिति होती है जिसको हम प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी बोलते हैं मुख्यतः ये पांच समितियां एन की फंक्शनिंग में उसके काम करने में उसकी मदद करती हैं इसके साथ साथ एन के बाकी सारे काम भी चलते रहें उसको प्रशासनिक बहुत सारे कार्य करने होते हैं इसके लिए एन में और भी बहुत सारी समितियां बनी हुई हैं जैसे उनकी जो शैक्षिक समिति है वो उनको एजुकेशनल सलाह देती है उनकी विभागीय उनके जितने भी विभाग हैं एन में अभी हम बात करेंगे बहुत सारे विभाग हैं हर विभाग की अपनी विभागीय सलाहकार समिति है जो उस विभाग को सलाह देती है एनसीआरटी से जुड़े हुए है। उसके जैसा कि हम जानते हैं, हर एक इस तरह की संस्था में भवन निर्माण की समिति होती है कार्य समिति होती है शैक्षिक कार्यों के लिए समिति होती है एक और बड़ी महत्वपूर्ण समिति है जो एनसीआरटी में काम करती है जिसका नाम है पाठ्यपुस्तक निर्धारण हेतु राष्ट्रीय निगरानी समय समय पर हम देखते रहे हैं कि पाठ्यपुस्तकों को लेकर कई बार वाद विवाद हो जाते हैं. जाते हैं तो एनसीआर में एक ऐसी व्यवस्था है एक ऐसी समिति बनी हुई है एनसीआर जिस जो भी पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन करती है उसमें जो विषय वस्तु जा रही है उस विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण कैसे हो रहा है वो विषय वस्तु संवैधानिक मूल्यों राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप है कि नहीं है वो अध्यनतन है कि नहीं है इन सारी चीजों को देखने के लिए एक वहां पर पाठ्य वस्तु निर्माण हेतु तो राष्ट्रीय निगरानी समिति भी बनी हुई है वो समिति भी बहुत बेहतर ढंग से एनसीईआरटी को अपना काम करने में मदद करती है जी ये जो विभिन्न तरह की समितियां हैं जी जो एनसीईआरटी के मतलब नियमित संचालन में मदद करती हैं उसका उसकी एक कोई प्रकाशन इकाई भी है जी जी जहां से जी जी जहां से और कई तरह के कार्य होते हैं जी और हमारे जो प्रशिक्षु हैं डीएलएड के इनके से प्रकाशित होने वाली कुछ पत्रिकाएं हैं जो इनके लिए बहुत लाभदायक हैं प्राइमरी शिक्षक प्रा, प्राइमरी शिक्षक है प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के नाम से जो छपती है उसको देखा और पढ़ा जा सकता है एनसीईआरटी की और भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका है क्या जिसको एनसीआर टी की बहुत सारी भूमिकाएं हैं और एनसीईआरटी की भूमिकाओं को समझने के लिए मुझे लगता है कि एक बार हमें यह देख लेना चाहिए कि एनसीईआरटी में कौन कौन से विभाग हैं जो क्या क्या कार्य करते हैं तो हमें एनसीईआरटी के कामों को समझने में थोड़ा मदद मिले मदद मिलेगी मिलेगी मददीआरटी में जितने भी मुख्य विषय प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाए जाते हैं माध्यमिक स्तर तक एनसीआरटी तो माध्यमिक स्तर तक काम करती है उन सबसे जुड़े अलग अलग विषय हैं वहां पर प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से प्रारंभिक शिक्षा विभाग है शिक्षक शिक्षा के लिए शिक्षक शिक्षा और प्रसार विभाग है भाषाओं से संबंधित विषय देखने के लिए भाषा विभाग है विज्ञान और गणित के लिए विज्ञान और गणित विभाग है ऐसे ही सामाजिक विज्ञान का विभाग है मानविकी का विभाग है और एन केवल यही नहीं करती वो निरंतर देश में शिक्षा की स्थिति में क्या सुधार हो रहा है इसको लेकर समय समय पर सर्वेक्षण करती है बिल्कुल वो सर्वेक्षण हमारी शिक्षा नीतियों का आधार बनते हैं तो उसके लिए एक शिक्षा नीति का सर्वेक्षण और आंकड़ा प्रसंस्करण का विभाग है जिसमें वो डेटा एनालिसिस करते हैं साथ ही वो शोध करते रहते हैं उसके लिए उनके यहाँ विभाग है कला की क्या भूमिका होनी चाहिए तो आर्ट एंड एस्थेटिक्स का उनका विभाग है साथ ही वर्तमान में जो आई का बड़ा योगदान हो रहा है आईसीटी की लगातार बात की जा रही है कि इसको शिक्षा में आना चाहिए तो वहाँ कंप्यूटर शिक्षा और तकनीकी सहायता का विभाग है और जो बात अभी आप कर रहे थे प्रकाशन विभाग की वहाँ पर प्रकाशन विभाग है इसके साथ साथ वहाँ एक और महत्वपूर्ण विभाग है जो महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित हो बालिकाओं का प्रतिशत बढ़े जेंडर सेंसिटाइजेशन हो पाठ्य पुस्तकों में कोई लिंग भेद नहीं रहे अध्यापकों के प्रशिक्षण में कहीं लिंग भेद नहीं रहे शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन में कहीं लिंग भेद नहीं रहे इस पर अध्ययन का काम करती है तो महिला अध्ययन विभाग भी वहां है तो यदि हम इन विभागों के कार्यों को देखें तो हमें एक अंदाजा लग जाता है कि एनसीईआरटी जैसी संस्था किन किन क्षेत्रों में काम करती होगी जी बिल्कुल तो इन सभी संस्थाओं को मिलाने के अलावा जो इसके आंतरिक घटक हैं पूरे देश में भी एक जाल न कहें लेकिन एक अच्छी व्यवस्था एन सी आर हर क्षेत्र में पहुंच है और अपनी संस्थाओं के माध्यम से जी। है। मतलब एक तरह से जिसे कहें कि एन की धमक या उपस्थिति अपनी पाठ्यपुस्तकों के सहारे यदि देश के कोने कोने में प्रतिदिन है तो अपनी संस्थाओं के सहारे भी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में है जी। तो ऐसी कुछ संस्थाएं भी एनसीआरटी की हैं जो देश के अन्य हिस्सों में रहते हुए यानी एन कहने का तात्पर्य सिर्फ दिल्ली के अरविंद मार्ग पर स्थित एक संस्था नहीं है जी, जी, बल्कि उसका जुड़ा जी, उन संस्थाओं के साथ भी है जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं तो उन संस्थाओं के बारे में गौरव जी यदि थोड़ी जानकारी आप जी, हमारे शिक्षार्थियों को देते जी, जी, जी. तो ज्ञानवर्धन होता ही नहीं, नहीं निश्चित उनको ये जानना जरूरी है कि क्योंकि जब हम एनसीआर के कार्यों पर चिंतन करें तो हमें पता लगना चाहिए कि वहाँ क्या क्या है तभी तो पता लगेगा कि वो क्या काम करते हैं एन में बहुत सारे घटक हैं एनसीआर का जो पहला महत्वपूर्ण घटक है उसको सामान्य भाषा में सी के नाम से वो प्रसिद्ध है उसको केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान, संस्थान कहा है, जाता है जी। और भारत में विद्यालयी शिक्षा में तकनीकी के प्रसार और तकनीकी को शिक्षा का अंग बनाने में उसका अविस्मरणीय योगदान है बहुत वर्षों से जब रेडियो का दौर था जब टेलीविजन नया नया आया, आया था तब तो साइट जैसे प्रोजेक्ट वहाँ शुरू हुए स्टेट एजुकेशनल टेलीविजन प्रोजेक्ट्स वहां पर शुरू हुए पर। खास पर और के के लिए अपनी सलाह देता है और काम करता है उसका नाम पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसायिक शिक्षा संस्थान है जो भोपाल, भोपाल में स्थित है तो ये ना केवल तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मदद करते हैं पूरे देश की बल्कि व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी मदद करते हैं और इसके साथ साथ शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करने के लिए इन्होंने देश में पांच संस्थान ऐसे बना रखे हैं जिनको हम क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहते हैं अच्छा। आर के नाम से प्रसिद्ध हैं और जो लोग प्रशिक्षणार्थी है वो जानते हैं कि इन आर के बहुत सारे मॉडल वो अपने टीचर ट्रेनिंग में प्रयोग करते रहे हैं अजमेर में है भोपाल में है भुवनेश्वर में है मैसूर में है शिलोंग में है जहाँ वो नए नए प्रकार के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाते रहते हैं जब पूरे प्रशिक्षण भी जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं वो बहुत प्रसिद्ध है चाहे वो बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो वो भी चार साल का पाठ्यक्रम वो चलाते रहे तो उन्होंने एक तरह से शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग क्या हो सकते हैं उनको भी शुरुआत करने का काम किया और धीरे धीरे उन प्रयोगों को देश के और हिस्सों में और, और संस्थाओं में उन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर प्रस्तावित किया कि हमने ये कार्यक्रम चलाए हैं इनके ये परिणाम रहे हैं और देश की अन्य संस्थाओं को भी ये मॉडल या ये प्रतिमान अपनाने चाहिए तो एनसीआरटी आप देखें तकनीकी के क्षेत्र में व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान करती है जितना महत्वपूर्ण योगदान वो विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में या पाठ्यक्रम निर्माण में या पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में करती है जी यह जो एन का नियमित जुड़ाव है एक तरह से शिक्षक प्रशिक्षण या अध्यापक शिक्षा के साथ उसके लिए दो तरह के प्रशिक्षणों की आवश्यकता आमतौर पर होती है सेवा पूर्व और सेवा कालीन जी तो सेवा पूर्व की जानकारी तो हम लोगों को मिली कि एन अपने इन संस्थाओं के माध्यम से जो प्री सर्विस ट्रेनिंग कहते हैं या सेवा पूर्व जो प्रशिक्षण है उसका संचालन करती है जी। लेकिन सेवाकालीन प्रशिक्षणों का भी कोई स्वरूप है क्या एन में जिसे वो संचालित करती है कई विविध क्षेत्रों में सेवाकालीन प्रशिक्षणों का कोई कार्यक्रम एन द्वारा संचालित होता है देखिए एनसीआर मुख्यतः तीन क्षेत्रों में काम करती है एक तो शोध के लिए काम करती है साथ ही सेवा पूर्व और सेवारत दोनों प्रशिक्षणों में काम करती है सेवा पूर्व के लिए जैसे मैंने आपको बताया वो अपने जो क्षेत्रीय शिक्षा केंद्र है उनके माध्यम से काम करती है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से और सेवारत प्रशिक्षण के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों में एन निरंतर अपने केंद्रीय मुख्यालय पर अपने क्षेत्रीय शिक्षा केंद्रों पर दस दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम पंद्रह दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम या एक महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है साथ ही वो कई बार अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर एस सी के साथ मिलकर बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम चलाती है जो सेवारत प्रधानाचार्यों के लिए होते हैं जो सेवारत अध्यापकों के लिए होते हैं कई बार वो शिक्षण विधियों से संबंधित हो सकते हैं कई बार वो शिक्षण में तकनीकी की कैसे समावेशन हो उससे संबंधित हो सकते हैं समावेशी शिक्षा पर बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने चलाए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पर जो खासतौर पर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं और जो वंचित वर्गों के बच्चे हैं उनको कैसे विद्यालयों का अंग बनाया जाए और सबको एक साथ एक जैसी शिक्षा दी जाए इसके लिए शिक्षकों को तैयार करने के लिए वो सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं और उनके बहुत सारे और भी कार्यक्रम हैं वो कुछ ऐसे पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग में उनका एक बहुत प्रसिद्ध पाठ्यक्रम है जो मुख्यतः सेवारत शिक्षक उस पाठ्यक्रम को करते हैं और उसके बाद वो अपने स्कूल में एज ए काउंसलर भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं तो इस तरह से एनसीआर सेवा पूर्व कार्यक्रम भी चलाती है और सेवाकालीन कार्यक्रम भी निरंतर चलाती रहती है यदि मुख्य कार्य क्षेत्रों को देखें तो एनसीईआरटी के तीन ही मुख्य कार्य क्षेत्र हैं एक तो देश की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उनमें योगदान करना उसके लिए शोध करना और उसमें निरंतर विकास करना सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण को बनाए रखना और साथ ही माध्यमिक स्तर तक की प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निरंतर नए नए प्रयोग करना उनका प्रसार करना और उनका दूर दूर क्षेत्रों तक सभी राज्य के एस के माध्यम से और तमाम संस्थाओं के माध्यम से राज्य के बोर्ड के माध्यम से उनको प्रसार करना ताकि देश के कोने कोने तक जो शिक्षा जा रही है उसमें गुणवत्ता बनी रहे ये एनसीआरटी के मुख्य कार्य हैं एन के कार्यों को हम यदि संक्षेप में देखना चाहे तो एनसीआरटी का सबसे पहला कार्य आता है जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी पाठ्यचर्या निर्माण बिल्कुल किसी एक विद्यालय की पाठ्यचर्या एक बोर्ड की पाठ्यचर्या एनसीआरटी नहीं बनाती है लेकिन एनसीआरटी आपको याद है 1978 में पहली बार एनसीआरटी ने शिक्षा की रूपरेखा इस देश के सामने दी विद्यालय शिक्षा की रूपरेखा बिल्कुल उन्नीस सौ में पहली बार आई उन्नीस में उसके बाद दी और उसके बाद भी देते रहे और जो अभी सबसे पास हजार है, है। 2005 में जिसको भी एक बार आया और हैं यदि आप उनका अध्ययन करें तो जैसे जैसे समय में बदलाव हुआ जैसे जैसे राष्ट्र की अपेक्षाओं आवश्यकताओं और लक्ष्यों में बदलाव हुआ जैसे जैसे नई तकनीकियां आई वैसे वैसे देश की विद्यालयी शिक्षा में क्या परिवर्तन होने चाहिए उनको बहुत अच्छे ढंग से और विस्तृत ढंग से इन रूपरेखाओं में प्रस्तावित किया गया जिसके आधार पर तमाम राज्यों ने अपने या तो उन्होंने उस करिकुलम फ्रेमवर्क को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, कर लिया। यथावत स्वीकार कर, कर लिया या अपने राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनमें थोड़ा परिवर्तन करके अपने राज्य की संस्थाओं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रमों को बदलाव किया यह एनसीआर की बड़ी भूमिका है दूसरी बड़ी भूमिका एनसीआर की है अनुदेशात्मक चीजों में आप देखें यदि हम शिक्षक प्रशिक्षण की दृष्टि से बात करें तो जो लोग शिक्षक प्रशिक्षण में हैं हमारे प्रशिक्षु वो जानते हैं कि जो पाठ्य योजना बनाने की विधियां थी जो पाठ्य योजना बनाने के विभिन्न प्रारूप परिचालित हैं उसमें से बहुत सारे प्रारूपों को बदलाव करना उनमें परिवर्तन लाना उसमें एन की बड़ी भूमिका रही सब जानते हैं कि ब्लूम का वर्गीकरण इस देश में तब आया जब ब्लूम ने एन में आकर लोगों को प्रशिक्षित किया हाँ। इसी तरह से एनसीआर ने अपने संस्थानों के माध्यम से चाहे वो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर रहा हो पाठ्योजना बनाने के नए नए प्रारूप दिए आर सी एम अप्रोच बहुत बहुत प्रसिद्ध रही शिक्षक प्रशिक्षण के दिनों में हमने भी बनाए हैं उस पर पाठ्यक्रम तो अनुदेशात्मक नए नए तरीके क्या हो सकते हैं नई शिक्षक प्रशिक्षण की विधियाँ क्या हो सकती हैं कक्षा कक्ष में शिक्षण की विधियां क्या हो सकती हैं इस पर भी एनसीआरटी सलाह देती है शिक्षण विधियों पर एनसीआर ने मूल्यांकन की नई नई तकनीकियों पर बात की जब भी इस देश में मूल्यांकन की प्रविधियां बदली शिक्षकों को उनसे समस्याएं ना हो उनसे आने वाली समस्याएं दूर हो जाए इसके लिए निरंतर एनसीआर ने प्रयास किए आप देखिए जब कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली भारत में लागू हुई सीसीई के नाम से तब बहुत सारे शिक्षकों के साथ ये समस्या थी कि सीसीई को हम कैसे लागू करेंगे

तो एनसीआरटी का पहला काम रहा मुख्य तौर पर पाठ्यचर्या से लेकर केवल बनाने तक नहीं उसके अंतरण में भी गुणवत्ता बनी रहे इसमें वो अपना योगदान कर सकती थी दूसरी बात हम विस्तार से कर चुके हैं कि एनसीईआरटी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिया और शैक्षणिक व्यक्तियों के लिए न केवल सेवापुर बल्कि सेवाकालीन सेवा प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की और तीसरी बात जिसकी आप चर्चा प्रारंभ में कर रहे थे कि एनसीआरटी को सबसे ज्यादा लोग जिस चीज से जानते हैं वो है एनसीआरटी की पाठ्य एनसीआर इस देश में कक्षा एक से लेके और कक्षा बारह तक लगभग सभी विषयों की आदर्श पाठ्य पुस्तकें निर्मित करती है उन्हें मैं आदर्श इसलिए कहता हूं क्योंकि उनमें राष्ट्रीय मूल्यों का समावेश होता है उसमें उन मूल्यों का ध्यान रखा जाता है जो मूल्य हमारे संवैधानिक मूल्य हैं जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं जो हमारी वर्तमान आवश्यकताएं हैं जो वर्तमान मुद्दे हैं वर्तमान चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के लिए हमारे कैसे विद्यार्थी तैयार होने चाहिए इसकी बात इन पाठ्यक्रम इन पाठ्यपुस्तकों में की गई है इसके साथ ही एन शैक्षिक शोध करती है उसको प्रोत्साहन देती है सुधारात्मक शैक्षिक तकनीकियों के बारे में बात करती है और विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उनमें कैसे गुणात्मक सुधार आ सकता है उसके लिए समय समय पर केंद्र सरकार को भी सलाह देती है साथ ही एस के साथ मिलकर राज्य सरकारों के साथ मिलकर वो इस विषय पर अपना मंतव्य स्पष्ट करती रहती बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपने विस्तार से हमारे शिक्षार्थियों को एन के बारे में बताया जी जो एन की के महत्वपूर्ण कार्य हैं उनकी जानकारी आपने दी आजकल एन के द्वारा लर्निंग आउटकम को लेके कि जो हाँ। पढ़ाया जा रहा है उस पर बड़ी हाँ। चर्चा ये ये पूरे ये इनका एक नया नया प्रयोग है उन्होंने ये कहा कि कक्षा एक में क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप देखते हैं सर्वेक्षण इस देश में होते रहे हैं। बहुत सारे सर्वेक्षणों की रिपोर्ट अखबारों में हेडलाइन भी बनती है कि एक सर्वेक्षण कहता है कि कक्षा पांच का बच्चा कक्षा दो की किताब नहीं पढ़ सकता सक, तो एनसीआरटी ने एक अभिनव प्रयास किया कि हर स्तर पर न्यूनतम अधिगम उपलब्धि क्या होनी चाहिए बिल्कुल कक्षा एक का बच्चा है तो उसको क्या चीज कम से कम आनी चाहिए कक्षा दो का बच्चा है उसको क्या आनी चाहिए तो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स का एक मिनिमम स्टैंडर्ड उन्होंने तैयार किया और उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट इसके लिए बनाया है पूरा दस्तावेज उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है मुझे लगता है कि प्रत्येक शिक्षक को और शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी को वो दस्तावेज देखना चाहिए ताकि उसको भी पता लगे कि उसको किस स्तर पर कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों को कम से कम किस स्तर तक की शिक्षा प्रदान करनी है ताकि वो उन अधिगम उद्देश्यों को और उन अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके तो गौरव जी के इस सुझाव को हमारे सभी शिक्षार्थी ध्यान में रखेंगे और हम विश्वास रखते हैं कि आप इस दस्तावेज का अवलोकन करेंगे और उसके अनुरूप अपनी कक्षा कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे आपका बहुत बहुत आभार इस बातचीत के लिए धन्यवाद 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 प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने हम अपना दीपक स्वयं बने हम अपना रास्ता स्वयं चुने पढ़ें हम कहीं पढ़ें